सरों का। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के फेयरवेल में बोले प्रधानमंत्री मोदी, उनकी विदाई संभव नहीं। श्रीनगर में बनेगा जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा चिनार पार्क। निशात बाग के ऊपरी क्षेत्र में 400 कनाल बनेगा पार्क। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती। हरियाणा में सरकार से सुरक्षा प्राप्त 464 लोगों के लिए कुल 1515 सुरक्षाकर्मी तैनात। प्रदेश सरकार ने विधानसभा में दी जानकारी। केरल में बरपा अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का कहर, अब तक मार दिए गए 700 से अधिक सुअर। किसानों को मिलेगा लाखों का मुआवजा। मुफ्त घोषणाओं पर रोक की मांग वाली पीआईएल का आपने किया विरोध। मुफ्त घोषणाओं पर रोक की मांग वाली पीआईएल का आपने विरोध कर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। नौकरशाही में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी। हर साल 150 आईएएस नहीं दे रहे अपनी संपत्ति का विवरण। ओडिशा के 23,000 स्कूलों में शुरू होगा लैंगिक समानता कार्यक्रम। सरकार ने ब्रेक थ्रू और जेपॉल साउथ एशिया के साथ की साझेदारी। कैंग रिपोर्ट में सीजीएचएस के तहत दवा की खरीद में खामियां उजागर। स्वास्थ्य मंत्रालय की ढिलाई से समय पर नहीं हो सकी पर्याप्त खरीदारी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर जमीन से आसमान तक रहेगा पुलिस का पहरा। लाल किले की हिफाजत करेंगे 10,000 जवान। हरियाणा के करनाल में बनेगा रिंग रोड, 23 गांवों से होकर गुजरेगा। हिमाचल में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर 10 दिन में देंगे पुरानी पेंशन और भी कई घोषणाएं की। जम्मू के लोकप्रिय पर्यटन स्थल खुद में बनेगा पहला हवाई जहाज रेस्टोरेंट। बंगाल के मंत्री ने राज्यपाल का पद खत्म करने की मांग, कहा मुख्य न्यायाधीश को मिले जिम्मेदारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर बलिदानियों को किया नमन। त्यागी को गनर दिलाने वाली होगी जांच, सीएम योगी ने गृह विभाग से मांगी रिपोर्ट। प्रतापगढ़ प्रशासन के समक्ष चुनौती, मुहर्रम गेट के विरोध में विधायक रघुराज प्रताप सिंह के पिता नजरबंद। धनाराम इंफ्रा में पकड़ी 250 करोड़ की फर्जी बिल्डिंग, 10 करोड़ की नकदी और 5.5 करोड़ के जेवर निकले।
मेरठ में पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर पिस्टल फैक्ट्री पकड़ी गई। दिल्ली हरियाणा में हो रही थी सप्लाई। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, उत्तर प्रदेश रही है प्रथम स्वतंत्रता समर की भूमि। लखनऊ में 10वीं मुहर्रम पर गम में डूबे अजादारों ने निकाला जुलूस, अकीदत मंदों के हाथ में लहराया तिरंगा। गोरखपुर में बढ़ती रूट पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें, कम समय में पहुंचेगी ट्रेनें, ईंधन की भी होगी बचत। कारोबार से नागरिक सेवाओं तक अब सिर्फ सिंगल विंडो, सभी विभागों की सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास की तलाश में ताबड़तोड़ तबीश, दो करीबी के ठिकानों पर छापा। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर दुकानदार को देना पड़ेगा 5,000 रुपए जुर्माना। उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमियों को नहीं देना होगा जमीन खरीद पर स्टैंप शुल्क। मोदी और सीएम योगी से गैस कंपनियों की मांग, टैक्स और एक्साइज ड्यूटी घटे तभी कम होगी दरें। हरदोई में मजदूर को पीट पीट कर मार डाला, गले पर रस्सी के निशान, शव के पास मिला डंडा। वाईएस सचान की मौत का मामला तत्कालीन डीजीपी समेत 5 अभियुक्त वकील के जरिए सीबीआई कोर्ट में हाजिर। यूपी की सभी राशन दुकानों से मिलेगा अब पौष्टिकता से भरपूर चावल, योगी सरकार ने बनाई योजना। अबू सलीम को 22 अगस्त को पेश करने का आदेश, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह को बरी। जो भी दोषी होगा वो जेल जाएगा, वाराणसी में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जा रही यूपी पुलिस, मेडिकल इमरजेंसी में जीवन रक्षक बनेंगे पुलिसकर्मी। वाराणसी में इमाम चौकों पर बैठाए गए ताजिए, निकाला दूल्हे का जुलूस। गोरखपुर में पुलिस अभिरक्षा में पिटाई से हुई थी बंदी की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बुलंदशहर में बस की टक्कर जोरदार, महिला को उतारा मौत के घाट, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। गाजीपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक ही समुदाय के हैं दोनों पक्ष, इलाज के लिए घायल युवक वाराणसी रेफर। कानपुर में नई बस्ती में हुई लाखों की चोरी, पनकी थाना क्षेत्र के मिर्जापुर का मामला। नगर में ट्रेनों में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, अवैध शस्त्र के साथ शातिर चोर गिरफ्तार।
जयपुर खीरी में छोटी काशी में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़, लाखों कांवड़ियों ने किया जल अभिषेक, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। संभल में बजरंगी सनातन समूह का पांचवां स्थापना दिवस कार्यक्रम में धार्मिक ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को मिला सम्मान। वाराणसी में तिल के बराबर हर रोज बढ़ते हैं शिव, बाबा का शिवलिंग जमीन से 35 फीट ऊंचा है। प्रयागराज में शिक्षकों की लापरवाही, बच्चों के भविष्य पर बड़ी भारी, स्कूल में समय से पहले लटक जाते हैं ताले। ग्रेटर नोएडा में दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल, काम से लौटते हुए युवक की बेरहमी से पिटाई, दबंगों की पिटाई से युवक को आई गंभीर चोटें। गाजियाबाद में मुहर्रम के पाक महीने में हुई शुरुआत, इस महीने निकाले जाते हैं ताजिए। हरदोई में युवकों को मेला जाना पड़ा भारी, युवकों से दबंगों ने की मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, हादसे में एक की हुई मौत। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, पशु व्यापारी से 86,000 रुपए की लूट, तमंचे के बल पर तीन बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। बुलंदशहर में सही इलाज न मिलने से महिला की मौत, परिजनों ने मृतका के पति पर लगाया आरोप, इलाज में देरी करने का लगा आरोप। देहरादून में स्कूल पहुंचे बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी, झलक पाने को लगी भीड़, बोले दोबारा आऊंगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा शुरू, पछुआ दून में चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने की शुरुआत। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने की उत्तराखंड की तारीफ, कहा यहां की सुंदरता अविश्वसनीय। नैनीताल में अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए सुरक्षा दीवार से नीचे गिरी पिकअप। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में 146 दिन बाद खुला अल्ट्रासाउंड का ताला, सीनियर रेजिडेंट ने किया ज्वाइन। देहरादून की सड़कों पर हजारों बच्चों के हाथ में तिरंगा देख सीएम धामी हुए खुश। उत्तरकाशी के गांव में भूस्खलन का खतरा, 7 परिवारों ने छोड़े पुश्तैनी मकान। उत्तराखंड में एक अकादमिक कैलेंडर पर कदमताल करेंगे सभी विश्वविद्यालय, इसी माह से लागू होगी नई व्यवस्था। चंपावत जिले में इस रोड पर तेंदुआ कर रहा है बाइक सवारों पर हमला, देर तो युवकों को किया घायल। उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी स्कूलों के बच्चे 3 दिन निकालेंगे प्रभात फेरी। ताइवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीन का मिसाइल अटैक, ऐसी ही कई गलत जानकारियां सोशल मीडिया में वायरल कर रहा ड्रैगन।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर पर एफबीआई का छापा। पाकिस्तान में आसमान छू रही महंगाई, महिला ने सरकार से पूछा बच्चों को खाना खिलाऊं या उन्हें मार डालूं। चीन के सैन्य अभ्यास के बीच ताइवान ने भी खोला मोर्चा, शुरू की लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल। इसराइल ने अपनी जीत का किया दावा, कहा इस्लामिक जिहाद के रॉकेट से गाजा में 14 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। विस्कॉन्सिन गुरुद्वारे पर हमले की 10वीं बरसी, अमेरिकी अधिकारी ने कहा हम हमेशा आपके साथ। गूगल के डेटा सेंटर में शॉर्ट सर्किट, 3 स्टाफ गंभीर रूप से घायल। अमेरिका यूक्रेन को देगा $1 अरब के रॉकेट और हथियार, निर्णायक लड़ाई की तैयारी में ज़ेलेंस्की। दक्षिण कोरिया में भारी बारिश से सियोल की सड़कें बनी नदियां, अब तक 7 की मौत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर लगे आरोप, मुफ्त में ताशखाने से ले गए उपहार। सरकार ने मैदा, सूजी और साबुत आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, ये प्रतिबंध रविवार 14 अगस्त से प्रभावी होगा। टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड द्वारा लिमिटेड्स पर कमाई छुपाने का आरोप, सीएजी ने कहा सरकार को हुआ 645 करोड़ रुपए का नुकसान। रेपो रेट को 6% के स्तर तक ले जा सकता है आरबीआई, दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार हो सकती है धीमी। पीएम मोदी 15 अगस्त को लॉन्च करेंगे बड़ी स्वास्थ्य योजना, देश में चल रही सभी योजनाएं होंगी इसमें कवर। गोगामेडी मेला में श्रद्धालुओं को सौगात, रेलवे चलाएगा 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, कई ट्रेनों को मिलेगा नया स्टॉपेज। जुलाई की खुदरा महंगाई दर में मिल सकती है राहत, कच्चे तेल और खाद्य आइटम के दाम में नरमी से मिलेगी मदद। गेहूं के रिकॉर्ड कीमतों ने बढ़ाई सरकार की चिंता, खत्म हो सकती है इंपोर्ट ड्यूटी। महंगा हो सकता है फास्टैग, बैंक डाल रहे मार्जिन बढ़ाने का दबाव, एनएचएआई ने दिया जवाब। जियो 1000 शहरों में शुरू करेगी 5G सर्विसेज, तैयारियां हुई पूरी। स्पाइस जेट को झटका, 3 बैंक ने कंपनी के लोन को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला। रंगारंग सेरेमनी के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का सफल समापन, भारत ने झटके कुल 61 मेडल। उत्तराखंड के लक्ष्य सेन ने भारत को दिलाया गोल्ड, पीएम मोदी और सीएम धामी ने दी बधाई।
तीन घरेलू मैचों का कार्यक्रम किया जारी। पुराने प्रारूप में होगा दिलीप ट्रॉफी का आयोजन। एशिया कप 2022 से पहले कोहली के खराब फॉर्म और रोहित शर्मा के बारे में ब्रायन लारा का बड़ा बयान, उन्हें अविश्वसनीय खिलाड़ी बताया। भारतीय पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने कहा, दिनेश कार्तिक बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, लेकिन मैं टीम इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए नहीं चुनूंगा। बुलॉर्ड ने विश्व क्रिकेट को चौंकाया। बुलॉर्ड टी20 में 600 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। कॉमनवेल्थ में दिखा इंडिया का दम। बर्मिंघम में 12 खेलों में भारत ने जीता मेडल। कुश्ती, टीटी एथलेटिक्स और बैडमिंटन में 2018 से बेहतर प्रदर्शन। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। कोहली, राहुल की हुई वापसी, चोट के कारण बुमराह टीम से बाहर। पिछले महीने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर मचाया था तहलका। अब आईसीसी ने दिया श्रीलंका के नए स्पिनर प्रभात जयसूर्या को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का तोहफा। अर्शदीप सिंह बने 5 मैचों की टी20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज। कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा को दिया श्रेय। तापसी पन्नू का पेपरासी से हुआ जमकर झगड़ा, लोगों ने बता डाला दूसरी कंगना रनौत। शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया बीटीएस वीडियो। इंडियन पुलिस स्पोर्ट्स के सेट पर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक्शन स्वीकल करती दिखी एक्ट्रेस। मलाइका अरोड़ा ने गार्डन में किया योगा, वीडियो शेयर कर फैंस को फिट रहने के लिए किया मोटिवेट। सोनाक्षी सिन्हा का फनी वीडियो आया सामने, कभी खुशी कभी गम के सीन को किया रिक्रिएट, दोस्त के साथ शेयर किया मजेदार वीडियो। अली फजल, रिचा चड्डा वेडिंग सितंबर में, शादी के बाद ग्रैंड रिसेप्शन देंगे रिचा अली, 400 मेहमान होंगे शामिल। रक्षाबंधन से पहले अक्षय कुमार बहनों संग पहुंचे लखनऊ, चिकनकारी कुर्ती की शॉपिंग के बाद लिया मशहूर चाट का मजा। आमिर खान का खुलासा, एक्टर ने बताया सिख ही क्यों बनाया गया लालसिंह चड्ढा का लीड कैरेक्टर, फिल्म फ्लॉप हुई तो होगा करोड़ों का नुकसान। तापसी पन्नू ने तोड़ी चुप्पी, कहा सेट से तस्वीरें लीक होने पर खुश नहीं है शाहरुख खान, राजकुमार हिरानी। मशहूर पॉप सिंगर और एक्ट्रेस ओलिविया न्यूटन जॉन का निधन, ब्रेस्ट कैंसर से थी पीड़ित। पंजाबी सिंगर का खुलासा, गिप्पी ग्रेवाल के बेटे को ऑफर हुई थी लालसिंह चड्ढा। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।